बस्ती के जो लोग थे वो उस अगस्त्य नाम के लड़के को पकड़कर घसीटते हुए आगे लेकर आए। अब देखो यार, वो वहां से भागने की पूरी कोशिश कर रहा, मुंह छुपाने की कोशिश कर रहा, लेकिन क्या ही हो जाता। फाइनली उसे लाकर के उस गुंडे के सामने खड़ा कर दिया। अब वो आदमी जो नेता बन के अगस्त्य को पकड़ने के लिए गया था, वो तो एक्साइटमेंट में ऊपर कि जनाब ये वही है ये, हम तो वैसे भी इसके देख के ना लक्षण बता रहे थे खराबियां करके, चला जवान अच्छा खासा चल फिर सकता है, भीख मांगता था। और यहाँ पे जो वो गुंडा था वो ध्यान से उस लड़के की तरफ देखता है। ये नहीं है वो। अरे जनाब जनाब ध्यान से देखिए आप, ये वही है, कदकाठी एकदम वैसे ही है। और ये अब यार जब वो बोल रहा है, अगला इंसान गुंडा है और बता भी रहा है कि वो नहीं है, इनको एक्साइटमेंट कंट्रोल नहीं हो रही। यार रसीद के दूसरा थप्पड़, जब बोला नहीं है तो नहीं है। अब क्या होता है यहाँ पे, वहां पे हमारी जो बिंदिया थी वो सांस लेने के लिए तड़प रही, दादा और आसपास के लोग जो उसकी मदद करने की कोशिश कर, लेकिन करें तो करें कैसे, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा। इतने में यहाँ पे जो ये घसीट के लाया था वो माफी भी मांग रहा होता और उस पर भी चिल्ला रहा उस लड़के पे, अबे जब तू नहीं था तो अपना मुंह क्यों छुपाया जा रहा था तब से। पॉइंट तो था, अगर ये लड़का अगत से नहीं था तो जब इसे लेकर आ रहे थे तो ये अपना मुंह क्यों छुपा रहा था। इस कहानी को आगे बढ़ाने से पहले सबसे पहले सॉरी यार, बहुत लेट हो गया ये वाला चैप्टर 3, लेकिन अगर आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट से कनेक्टेड थे तो यू ऑलरेडी नो कि देरी की वजह क्या थी, मेरे हाथ में नहीं था यार। बट एनी हाउ, अगर आप लोग आगे बढ़ रहे हैं तो एक हुक्म बाद दो का चैप्टर 1 और चैप्टर 2 आपने सुना होना चाहिए, और वो दोनों की कहानी अगर सुनी है तो याद भी होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो मेरे यूट्यूब अकाउंट पर दोनों के दोनों चैप्टर्स, एक प्ले का बटन दबाना है और ऐसे एक मूवी की तरह चलेंगे दोनों के दोनों। अगर 1 और 2 सुन लिया है और दोनों के दोनों याद भी हैं तो चैप्टर 3 आपका इंतजार कर रही है। इंस्टाग्राम पे सिर्फ और सिर्फ चैप्टर 3 का एपिसोड 1 से लेके 6 अवेलेबल है। अगर आपको पूरा चैप्टर सुनना है तो वो मेरे यूट्यूब अकाउंट पे आपको मिल जाएगा। एक प्ले का बटन दबाना है और मूवी की तरह पूरा चैप्टर आपके सामने, ठीक है? तो आगे बढ़ रहे हो तो मान के चल रहा हूँ सब क्लियर है, ठीक है? हेलो जी, मेरा नाम है जस्टिन जोसेफ एंड यू आर लिसनिंग टू द 16th कहानी ऑफ स्टोरीज। हमारी आज की कहानी का नाम एक हुकुम्बा दो, चैप्टर 3। अब बस्ती के जितने भी लोग, वो सारे के सारे इस लड़के अगस्त्य, उस डाकू गुंडे और यहाँ ये जनाब जिन्हें अभी अभी थप्पड़ पड़ा, इनकी कॉन्वर्जेशन सुन रहे हैं। अभी जो नेता बन के गए थे इन्होंने हाथ जोड़ के कहा, देखिए जनाब हमारी बस्ती के जितने लोग हैं वो आपके सामने हैं, आप सबके चेहरे देख लीजिए, जो आपका लड़का निकले अगत से आप उसे ले जाइए, हमें कोई आपत्ति नहीं। और तू एक बात बता, जब तू अगत से नहीं है तो तू मुंह क्यों छुपा रहा था अपना। अब ये लड़का जो है तुरंत रिप्लाई दे देता है, उसका रिप्लाई भी वैलिड होता है। वो लड़का कहता है कि अगर आप लोग किसी आए हुए लुटेरे के सामने किसी को घसीट के ले जाएंगे तो वो तो बचने की कोशिश कर रहा है, और मैं मुंह कहाँ छुपा रहा था, मैं तो बस बचने की कोशिश कर रहा था। वो ऐसे करके उस टॉपिक को खत्म करता है, लेकिन यहाँ पे इतने में एक आवाज़ आती है लड़की की, ये लड़का इतना ज़रूरी क्यों है, कौन पूछता ये, बिंदिया साला लगता है मेरा, तेरे से मतलब। अब इतने में यहाँ पे जो दादा होते हैं वो बिंदिया को चुप कराने की कोशिश करते हैं कि बस ये लड़की चुप हो जाए, लेकिन बिंदिया, अरे सवाल था तो पूछ लिया, कोई बात करने का तरीका है क्या, तेरे सवालों के जवाब देता हूं मैं। वो अब जो नेता खड़ा होता है उसको गुस्सा आ जाती है, बगल में जो लुटेरा खड़ा होता है उसकी बयां से एक तलवार निकालता है, नंगी तलवार को ले जा करके वो बिंदिया की गर्दन पे रख देता है और बोलता है पूछ अगला सवाल। बिंदिया पूछती है, नहीं मैं ये कह रही थी कि अगर हमारे पड़ोसी राज्य का कोई दूसरे राज्य का हम पे हमला करता तो हमें समझ में आता, अगर कोई गुंडे लुटेरे चोर डाकू हम पे हमला करते तो समझ में आता, लेकिन हमारे ही राज्य के सैनिक हम पे हमला कर रहे हैं ये कुछ क्यों। हमारे राज्य के सैनिक मतलब, वहां जितने वो बस्ती वाले होते हैं वो सब एकदम इस बात को सुन के एकदम से चंट हो जाते हैं, जितने सिपाही होते हैं वो अलर्ट हो जाते हैं, वहां पे जो ये जनाब खड़े होते हैं नेता बनके, इनकी सारी की सारी अकड़ जो है वो हट जाती है, कंधे जो है वो एकदम से ढीले हो जाते हैं। अपने ही राज्य के सिपाही ये सब रुफानगढ़ के सैनिक थे। देखिए आप ये फालतू की बात ना करें, आप ये फालतू की बात ना करें, जब कोई आप करके बात करता है ना तो या तो
आपके लिए काफी इज्जत है उन्हें, या फिर जो बिंदिया ने अगली लाइन कही कि किसी नफ्स पे तो मैंने अपना हाथ रख दिया है, कुछ तो छुपा रहे हैं आप, तुरंत वो गर्दन पे तलवार रख देता है। तू बोले तो अभी के अभी ये सर धड़ से अलग कर दूं, इज्जत से बात कर रहा हूं वो भी राज नहीं आ रहा तुझे। अब यहां पे बिंदिया का रिप्लाई आ जाता है, चलाइए। अरे चलाइए मतलब क्या, वो मार डालेगा तुमको अभी के अभी। वो कहती है चलाइए, लेकिन याद रखिएगा अगर मेरी बात सच है तो एक सैनिक का एक मासूम नागरिक की हत्या करने पे राजद्रोह का इंजाम लगता है। लड़की हो इसलिए तलवार नहीं चला रहे हैं। अच्छा तो फिर चलो ठीक है, एक काम कीजिए आप तलवार मत चलाइए, आप राजा को गाली दे दीजिए। राजा को गाली दे दीजिए क्या होता है, वापस्ती के सारे लोग अभी चुप हो जा, क्या बकवास कर रही है। अरे मैं थोड़ी गाली दे रही हूँ, मैं तो आपसे कह रही हूँ, हम राज्य के लोग गाली नहीं देते हैं क्योंकि हमारे राजा उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन आप तो हमारे राज्य के नहीं हैं, गाली दीजिए। और ये भी याद रखिएगा कि ये भी राजद्रोह है और इसके बदले सजाए मौत मिलती है। सिपाही फंस चुका था, बिंदिया सही थी। सिपाही जो है वो एकदम हार मानकर मार्केट के सेंटर वाले एरिया में जाता है, वहाँ बक्से रखे होते हैं ना उनके ऊपर खड़ा हो जाता है और जितने भी गांव वाले होते हैं उनके बीच में ऐलान करके ये बात बताता है, ये लड़की सही कह रही है, हम रुफानगढ़ के ही सैनिक हैं, हम आप लोगों के ही सैनिक हैं, इस हमले के लिए हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमने इस बात का पूरा ख्याल रखा है कि आप में से किसी की कोई जान नहीं गई है और आप लोगों को जितना भी नुकसान हुआ है वो पूरी भरपाई राजदरबार करेगा। सवाल, हमला क्यों किया भाई अगर हमारी सिपाही हो तो? दरअसल आज से 6 महीने पहले राजकुमार, रुफानगढ़ के राजकुमार, आप लोगों के राजकुमार अपनी राज प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए दक्षिण इलाके के एक गाँव में गए थे, राज प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। उन्होंने वो प्रतिज्ञा पूरी भी की, लेकिन जब वो वहां से वापस लौट रहे थे तो कहानी इंटरेस्टिंग लग रही है, आगे सुनने का दिल कर रहा है, ब्रेक लेने की कोई जरूरत नहीं है और अब स्क्रॉलिंग की भी ब्रेक की जरूरत नहीं है। YouTube पे Chapter 3 पूरा का पूरा अपलोडेड है, यहां पे जहां से छूटा है उधर थोड़ा सा फॉरवर्ड कर लेना और कंटिन्यू कर लेना। ट्रस्ट मी, इस कहानी की एंडिंग में इस कहानी का टाइटल फाइनली आने वाला है। यूट्यूब पे मिलते हैं। अपनी राज प्रतिज्ञा को पूरा करने के बाद जब वो वापस लौट रहे थे तो उन्होंने आप लोगों की बस्ती में एक छोटा सा ठहराव किया, विश्राम लिया, अगस्त्य के नाम से थे वो यहां पे, लेकिन शायद उनकी जान को यहां पे कोई खतरा था और ये बात हम तक पहुंची। अब इतने में बिंदिया बोल पड़ती है, माफ कीजिएगा, वो दरअसल हमें ये नहीं पता था कि आप लोग राजकुमार को ढूंढते हुए आए हैं, क्या प्रतिज्ञा मिली थी उन्हें? राज प्रतिज्ञा, क्या होती है राज प्रतिज्ञा, क्या था ये रुफानगढ़ का ये सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट जिसके लिए राजकुमार अपने राज्य से बाहर नाम और भेष बदल के बैठा हुआ था? ये अरे ये शायद सो गया, एकदम से वो लड़का बोलता है, ऋचा चौंक जाती है, नीचे देखते हो बच्चा तुरंत से बोलता है, नहीं 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 मैं सोया नहीं हूं, मैं उठा हूं। अब बोला उसने बच्चे को छेड़ने के लिए होता है, लेकिन छेड़ना बच्चे को था और वो जो बगल वाली सीट पे वो अंकल बैठे थे ना, छेड़ वो गए एकदम से, जैसे ही उन्हें पता चला कि अरे वो लड़का सो गया, क्या अरे वो सो जाएगा तो ये तो कहानी सुनाना बंद कर देगा, तो एकदम से उन्होंने अपने फोन से थोड़ा ऐसे नजर उठा के ऐसे करके देखा, इस लड़के ने जो कहानी सुना रहा था उसने अंकल को देखा, अंकल ने मुंह फेर लिया, अरे नहीं नहीं हमें तो पता ही नहीं क्या हुआ, कहानी में तो वो भी इन्वेस्टेड थे, लेकिन कैसे बताते, कहानी तो बच्चे सुनते हैं। एनी हाउ, राज प्रतिज्ञा, देखिए ये राज प्रतिज्ञा जो है ये बड़ी सिंपल सी चीज थी। रुफानगढ़ का एक बहुत पुराना सा रिवाज था, इस रिवाज के दौरान जो राजकुमार होते जब वो एक एबल एज के हो जाते तो उनको एक प्रतिज्ञा दी जाती जो दरबार के जो बड़े बड़े मंत्री होते थे वो डिसाइड करते थे कि टास्क क्या होगा। ये टास्क हद से ज़्यादा रिस्की और बहुत ज़्यादा फेलियर से भरे होते थे, लेकिन अगर इसे पूरा कर गया तो वो राजकुमार एक राजा बनने के योग्य है, यानी कि इन फ्यूचर अगर वो राजा बना तो कोई खिलाफ में जाके नहीं बोल सकता कि हम अग्री नहीं करते। अगर गलती से भी किसी ने बगावत करने की कोशिश करी तो सज़ा में मौत मिलती थी, लेकिन राजकुमार को वो टास्क पूरा करने का है। अब कैच ये था कि इस सो कॉल्ड टास्क को पूरा करते समय
इस एडवेंचर को पूरा करते समय वो राजकुमार अपना नाम, अपने टाइटल की ताकत, अपना किसी भी तरह का पोजिशनल पावर से लेकर के सिपाही को यूज़ करना, पैसों को यूज़ करना, वो कुछ नहीं कर सकता। उसे सिर्फ और सिर्फ एक छोटा सा बस्ता दिया जाता, ओढ़ने के लिए एक शॉल टाइप का कुछ मिलता, एक डंडी मिलती और वो अपने सफ़र पर निकल जाता। अपनी ऐसी ही राज प्रतिज्ञा को पूरा करने के बाद जब राजकुमार वापस आ रहा था तो उसने बिंदिया के बस्ती में एक छोटा सा रेस्ट लिया, लेकिन वो विश्राम इन पे भारी पड़ गया। हमारे जो राजकुमार है उन्हें क्या प्रतिज्ञा मिली थी, बिंदिया ने पूछा। एक तो इसका सवाल खत्म नहीं हो रहे, सिपाही ने लेकिन उसका भी जवाब दिया। रुफानगढ़ के दक्षिण इलाके में एक गांव था जिस गांव को हड़पने की कोशिश की जा रही थी पड़ोसी राज्य द्वारा, तो उसे बचाने का काम था जो राजकुमार का था। अब जनाब, पड़ोसी राज्य अपनाना चाह रहा है तो यहाँ पे राजकुमार क्यों जा रहे हैं भाई, पूरी सेना भेजो। हियर इज द थिंग, उस जमाने के एक बड़ा इंटरेस्टिंग स्कैम था ये, और स्कैम वर्ड पे फोकस करना। क्या करता पड़ोसी राज्य जो है वो ध्यान देता कि यार हमारे बगल वाले राज्य के पास क्या कोई ऐसी जगह है जिस पे वो लोग ज़्यादा नज़र नहीं रखते। और ऐसा एक गांव था रुफानगढ़ में जो दक्षिण इलाके में पड़ता था। अब वहाँ उस गांव में यार पिछले 7 साल से बस सूखा ही पड़े जा रहा है, ना कोई ढंग की फसल हो रखी है वहाँ पे, जब लोगों के पास पैसे नहीं है तो टैक्स भी नहीं दे पा रहे हैं। तो भैया यार यहाँ पे करे तो करे क्या, तो भाई राज वालों ने भी यार इस जगह को ना एकदम छोड़ के रखा था, एकदम आइसोलेट करके रखा था, गोल्डन अपॉर्चुनिटी। अब यहाँ पे अगर पड़ोसी राज्य वाला हमला कर दे तो हमले का इंजाम लग जाता, फिर दो राज्यों में आपस में लड़ाई। तो ऐसे में क्या करते, वो थोड़े से पैसे गुंडे लुटेरों को दे देते और उनसे कहते कि जाके इस गांव को अपने कब्जे में ले लो। वो कब्जे में ले लेते, जब गुंडे लुटेरे उसको अपना अड्डा बना लेते तो ये पड़ोसी राज्य उन पे हमला कर देते, उनको पैसे देते और बोलते निकलो यहाँ से। अब हमला किया, जगह भी अब उनकी हो गई, किंगडम की बाउंड्री भी बढ़ गई, और पड़ोसी राज्य वाले इंजाम भी नहीं लगा सकते कि आपने हम पे हमला किया, भाई हमने तो लुटेरों पे हमला किया। ये तो काफी नई बात हो गई है ना दादा, बिंदिया कहती है। सब लोग वहां फोकस करते हैं, मतलब नहीं हमने तो सुना था कि जैसे हमारे जो राजकुमार हैं वो काफी बुजदिल किस्म के इंसान है। अब जैसी वो ये बात कहती तो सिपाही जो है वहां पे एकदम अलर्ट हो जाते हैं, कह रही है यार राजकुमार को ऐसे क्यों बोल रही है करके। तुरंत वो अपनी अगली लाइन कहती है, और हमने तो सुना था कि जिस तरीके से अपने दुश्मन के खून से अपनी तलवार को गर्म किया करते हैं वैसे ही इन्हें बिस्तर गर्म करने का भी काफी शौक था, और ये बुरी आदत के कारण उनकी जान कहीं। और वो ये बोली रही होती है उतने में वहां के जो सिपाही होते हैं उसे पकड़ के उसका जमीन में ऐसे पूरा मुंह देके बैठ जाते हैं, धूल में उसका मुंह लगा हुआ होता है। सांस की प्रॉब्लम थी लेकिन जो बोल रही थी दैट वॉज इवन मोर हॉरेबल फॉर देम। तुरंत के तुरंत उसको वहां पे पकड़ा जाता है, यहाँ पे जो इनका नेता होता है वो आंखों ही आंखों में इशारा करके उसके पास वाले घर के अंदर लेके जाता है। उस जाते जाते में वहां पे जो दद्दा बैठे होते हैं ना उनको भी वहां से पकड़ के ऐसे उठा के लेके जाता है कि यार ये बड़ा इसको सपोर्ट कर रहा था ना, इसको भी लेके चलते हैं। वहां जाके दद्दा से पूछा जाता है ये लड़की कौन है। दादा जो है बड़ी ईमानदारी से बताते थे कि हमारे यहाँ पे किराए से रहती है और ऐसा वैसा, ये रुफानगढ़ की है। हाँ उसको क्या बोले तो बोले क्या। इतने में दादा को वहां घर से बाहर निकाला जाता है। वो जो नेता होता है इनका उस कमरे में जाता है जहाँ पे उन लोगों ने बिंदिया को पकड़ के रखा था, चेहरा धूल से सना हुआ लेकिन डर रत्ती भर भी नहीं। क्या क्या हो गया साहब, कुछ कुछ सही बोल दिया क्या। बिंदिया की सांस फूलने लगती है, फूलती भी क्यों नहीं, पूरा चेहरा धूल से सना हुआ, धूल जो अब सांस के अंदर जा रही है, और यहाँ पे अभी जो सर जमीन पे दे मारा था ना यहाँ पे पूरा जो ये होंठ जो थे फट जाते हैं, पूरा यहाँ से खून की एक धार जो होती है यहाँ पे बूंद ब बूंद टपकने लगती है। इतने में जो सिपाही होता है वो बोल देता है, किसी मासूम नागरिक को मारना राजद्रोह होता है लेकिन अपने राजकुमार के बारे में बिना किसी गवाह के पूरे बस्ती के सामने तुमने जो भी घटिया हरकत करी है ना उसके बदले कोई राजद्रोह नहीं होगा। तलवार जो है गर्दन पे रख देता है। कुछ कुछ बताना है राजकुमार का, ये इन पे भरोसा नहीं, इनको बाहर। सिपाहियों को बाहर निकालने के लिए बिंदिया कहती है, राजकुमार के बारे में लेकिन इसको कुछ पता था। ये जो है जितने भी वहाँ खड़े होते सबको बाहर निकालता है, अपने कान को आगे करता है, यहाँ पे लंबी लंबी सांसें लेकर कान में कुछ कहती है, एक बात बता, एक निहत्ती लड़की पे, एक बंदी हुई लड़की पे तू जान लेने की धमकी दे रहा है। रुफानगढ़ में हुकुमबाओं का खौफ खत्म हो गया है क्या, और बिंदिया बेहोश हो जाती है।
रुफानगढ़ में हुकुमबाओं का खौफ खत्म हो गया है क्या? एक हुकुमबा दो, दो हुकुमबा तीन, फाइनली तीन चैप्टर्स निकल गए और अब जा कर के इस कहानी में ऑफिशियली वो नाम आया जिस नाम पे हमारी कहानी का टाइटल है, एक हुकुमबा दो। लेडीज एंड जेंटलमैन, डियर लिसनर्स एंड स्पेशली JT8 फैमिली, ये जो चैप्टर 1, 2 और 3 है ना, इसकी हर एक बात को बड़े बारीकी से सुनना। कुछ भूल गए हो, कुछ डाउटफुल है तो दोबारा सुन लेना, क्योंकि अब हुकुमबाओं की कहानी शुरू होती है। इस कहानी का अगला चैप्टर यानी कि चैप्टर 4 आप लोगों के बीच में लाना है तो बड़ा सिंपल सा गेम है, हम और आप हाथ मिला के काम करते हैं। तो अभी हमारे पास आई थिंक 613K व्यूज हो चुके हैं। किस एपिसोड पे? चैप्टर 1 के एपिसोड 1 पे, ठीक है? और कोई एपिसोड को आप लोगों को स्टोरी शेयर नहीं करना है, उस एक एपिसोड को अब हमें 613K से 750K पे पहुंचाना है, जो कि आई गेट इट आप लोगों के लिए बहुत ईजी है, लेकिन कुछ तो टारगेट रखना पड़ेगा ना यार। तो एनी हाउ, जैसे ही आप लोगों ने इसे कंप्लीट किया, मैं चैप्टर 4 लेकर आप लोगों के बीच में मंडे या फ्राइडे में से किसी एक दिन आ जाऊंगा। अब मैं तो आ जाऊंगा, सवाल सिर्फ इतना सा है, आप सुनने आएंगे।